हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, चलिए आज मैं वेज पेनकेक रेसिपी बताने वाली हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। फ्रेंड्स, हमें इस रेसिपी के लिए सबसे पहले कद्दूकस करे हुए गाजर, शिमला मिर्च, कच्चा आलू और बंधा होना चाहिए। देन उसके बाद अब हमें इसमें कुछ मिक्स करते हैं मटेरियल्स। तो अदरक का पेस्ट है, जीरा है, हींग है, हरी मिर्च है और हरी मिर्च का पेस्ट है और काली मिर्च पिसी हुई पाउडर। उसके बाद नमक डाल देंगे, चावल का आटा ऐड करेंगे, बेसन एक कप, एक कप ही चावल का आटा। उसके बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद नमक ऐड करिएगा। उसके बाद अब आप इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दीजिएगा। वो सब डालने के बाद उस सबको अच्छे से ऐड मिक्स करके, मिक्स करने के बाद अब तवे पे ऑयल ग्रेस करिएगा और हाथ में जैसे मक्के की रोटी गीली करके बनाते हैं फ्रेंड्स, उस तरह से आप उसको थपकी दे करके अच्छे से पतला सा हाथ पे पूरा सेट करके उसको तवे पे आप दूसरे हाथ से डाल दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इसको धीमी आंच में बहुत धीरे धीरे पकाइएगा जिससे कि इसकी वेजिटेबल और जो भी मटेरियल हमने मिक्स डाला है इसमें वो सब पक जाए अच्छे से अंदर तक की। और फ्रेंड, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा, बट ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है। जब बनेगी आपको बहुत मज़ा आएगी खाने में। आप सॉसेज के साथ या टमाटर की चटनी या ग्रीन चटनी किसी के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। मिक्स वेज पेनकेक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। लंच बॉक्स के लिए भी, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है। आप लंच टिफ़िन में भी ऐड कर सकते हो, दे सकते हो बच्चों को। इनफैक्ट सफ़र में भी आप इसका मज़ा अच्छे से ले सकते हो, क्योंकि चावल के आटे की वजह से क्रिस्पी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मा गर्म तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। सो फ्रेंड्स, एक बार ट्राई करिएगा, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता ही है, प्लीज़ कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इसको कैसे उलट पलट के सेकना है अच्छे से। बहुत ही अच्छी, बहुत ही क्रिस्पी रेसिपी है। मेरे यहाँ तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इसी तरह से बच्चों के, जो बच्चे नहीं खाते हैं वेजिटेबल्स, उनको वेजिटेबल्स भी अच्छे लगते हैं। सो आप इसको मॉर्निंग, इवनिंग, ब्रेकफास्ट, नाश्ते में यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। सो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। कीप वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।